नर्मदापुरम के घोरिया पीपर में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान हर्ष मीणा के रूप में हुई। हर्ष केंद्रीय विद्यालय का 12वीं का छात्र था जो कि पिछले 4 दिनों से लापता था। हर्ष के परिजनों ने थाने में इसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो हर्ष की इलेक्ट्रिक स्कूटी होरिया पीपर में मिली। वहीं से कुछ दूरी पर एक खेत पे भरे गड्ढे में हर्ष की लाश मिली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। सर, हमारी मांगे हैं, हमने जितने एविडेंस इनको दिए हैं, जितने मर्डर का केस क्लियर दिख रहा है और इससे मर्डर की जो कंडीशन बनी उससे मतलब जो किस कारण बनी वो इनको हमने बता चुके हैं। कितने लोगों के नाम दिए आपने? पांच से सात लोग हैं। संदीप असवारे और प्रज्ञा असवारे यार, वो दो तीन लड़कों क्या नाम, उनके नाम ही दिमाग से उछल रहा है। हत्या की क्यों आशंका लग रही, क्या ऐसी चीज हुई है आपको? ये उसके घर गया था। कार्रवाई उनसे उचित कार्रवाई हो और दोषियों को सजा हो। सजा जब तक FIR नहीं हुई जब तक बॉडी हम नहीं लेंगे। एक ही लड़का था सर मेरा, मैं उनके घर गया, उनसे मैंने बोला आपकी बेटी से अगर कुछ बोला हो, गलती हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज एक बार मेरा लड़का दिलवा दो, मैं आपकी मेरी जवाबदारी ले रहा हूँ कि आपका मेरा लड़का और जो लड़की से कुछ अगर ऐसा कुछ कहा सुना जो भी हो, आपके घर के आसपास भी कभी नहीं आएगा, ना कभी आप किसी प्रकार से वो करेगा। हम TI साहब को बोलते रहे कि मामला ये है सर, मामला ये है, इनको उठाओ, इनको ऐसा करो। उन्होंने बिल्कुल हाँ हाँ कर रहा है, आश्वासन देते रहे और आज ये घटना घट गई है और एक बाप से अपना जो है पुत्र आज विदा हो गया है। ये TI साहब की लापरवाही है। मैं तो मांग करूंगा कि TI साहब को निष्कासित किया जाए, दूसरी कोई अधिकारी सक्षम अधिकारी को इसकी जांच दी जाए और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। हमारे बच्चे का जो उन्होंने मर्डर किया या करवाया है, ये बहुत ही इसके लिए उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए।